जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा दूसरा टेस्ट है। मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड को इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जियोग्राफी और कंट्रीज के ऊपर जो है जिसे है उसको कवर किया गया इस के अंदर। तो सबसे पहले तो जी कि कौन सा जो कंट्री है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है इनमें से, तो ये जो दिए गए हैं इनमें से टर्की जो है इट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। क्वेश्चन पेपर के अंदर नॉट लिखा गया लेकिन ये पूछा गया कौन सा ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल से मुराद है कि वो दोनों तरफ हो, दो जो कॉन्टिनेंट है उनमें हो। तो टर्की जो है वो एशिया में भी लोकेट करते हैं इसका कुछ पार्ट और कुछ इसका जो है वो यूरोप में। एशिया एंड यूरोप पर बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ देम, इनमें से तीन चीजें जो हैं वो हमारा आप हमारे एशिया के लेक्चर के ऊपर देख सकते हैं कि ये तीनों चीजें जो हैं ये एक तरह से बॉर्डर जो है वो बनाती हैं एशिया और यूरोप के दरमियान। तो ये बॉक्सस रेंज भी है, कैस्पियन सी भी है, ब्लैक सी भी है। यहाँ पे ब्लैक सी का जिक्र किया जाना था, यहाँ पे डेड सी आ गया। ये मैं जरा इसको ठीक कर देता हूँ। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो मिलके बनाती है। तो ये ऑल ऑफ देम जो है ये यहाँ पे विच सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, एशिया को अफ्रीका से जो सी अलग करता है इट इज रेड सी। हमने जियोग्राफी के लेक्चर में देखा था कि वो दरमियान में जो एशिया और यूरोप एशिया और अफ्रीका की जो सी है इट इज रेड सी। लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका एरिया के वाइज होता है लार्जेस्ट, तो जी अल्जीरिया है। और अगर पॉपुलेशन के वाइज पूछा जाए तो वो नाइजेरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज ऑन इक्वेटर, इसमें से कौन सा कंट्री है जो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। तो ये हमारे पास कोलंबिया, इक्वाडोर, कीनिया के ऑप्शन है। ये तीनों ऐसे कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। टोटल जो कंट्रीज जो इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं ये 13 है, 13 है। और ये एक साउथ अमेरिका, फिर हमारे पास है साउथ अमेरिका के बाद हमारे पास अफ्रीका है और फिर एशिया। उनके अंदर ये लोकेट करते हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं इनके नाम जो है वो सुन ले, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, साउथ टोम है, गैम्बिया है, गैबोन है, एंड कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगंडा है, कीनिया है। इसके बाद हमारे पास मालदीव्स आ जाता है एंड इंडोनेशिया आ जाता है एंड देन किरीबाती आइलैंड्स आ जाते हैं। चलें तो उसके बाद हम चलते हैं जी लैंडलॉक कंट्रीज की तादाद 44 है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेटिकन सिटी है जो इटली के अंदर विद इन अ कंट्री एक कंट्री है और ये 1929 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। ये क्रिश्चियंस का जो मजहबी लिहाज से जो है वो सबसे बड़ा जो चर्च है, सेंट्रल पोप यहाँ पे बैठते हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड ये मालदीव्स है, स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज भी एंड पॉपुलेशन वाइज भी। हाईएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्ट्रक्चर है। तो इसकी पूछी गई है स्टोरीज, 163 जो है वो इसकी स्टोरीज है। कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान सेंट्रल एशियन का कंट्री है, इसका कैपिटल अशगाबाद है। जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनकी करेंसी और उनके कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। ये बड़े डिफरेंट नाम होते हैं और ये पूछ लिए जाते हैं। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा, कैनबरा इनका कैपिटल है। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बुलंद सतह समुद्र से सबसे ऊपर जो कैपिटल है दिस इज ला पास। एंड कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया का जो कैपिटल है दमास्कस है। व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की करेंसी नगलट्रम है, ये लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ पोर्टुगल, पोर्टुगल की करेंसी यूरो है। यूरोपीय यूनियन के अंदर मौजूद कितने कंट्रीज हैं जो यूरोपीय यूरो को इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल करेंसी के तौर पे। 19 कंट्रीज ऐसे हैं। बाकी यूरोपीय यूनियन के बारे में आप थोड़ा सर्च कीजिएगा कितने कंट्रीज में रह गए हैं, ब्रिटेन ने इसको कब छोड़ा और टोटल कितने कंट्रीज थे पहले, आप कितने रह गए हैं, लेटेस्ट कौन से कंट्री ने इनको ज्वाइन किया।
व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश? जितिया संसद। मैंने कहा था कि जो डिफरेंट नेम हो ना पार्लियामेंट के, करेंसीज के, सीक्रेट एजेंसीज के, उनको अच्छे तरीके से आपने करना। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्वेज पार्लियामेंट? इट इज स्टॉल्टिंग। ये नॉर्वे की पार्लियामेंट है, स्टॉल्टिंग। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है ये दुनिया की सबसे बड़ी कदीम पार्लियामेंट है। ओल्डेस्ट नेशनल एंथम जो है वो है आपका जापान का। विच ऑफ वन ऑफ द गिवन इज नॉट यूएस सीक्रेट स्टेट एजेंसी। तो मुसाद इनकी नहीं है, बाकी सारे इनके हैं। इसके बाद है जी सीक्रेट एजेंसी पाकिस्तान की कौन सी नहीं है इनमें से, कौन सी है? तो ये सारी की सारी पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान वाला हो गया। इसके बाद 23rd है कंटास जो है, ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। पाकिस्तान की न्यूएस्ट एयरलाइन एयर सियाल है। प्रेसिडेंशियल पैलेस इंडियन प्रेसिडेंट का वो राष्ट्रपति भवन है। और यहाँ पे ये जो लॉक कल्याण मर्ग है ये इनके प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है। एटलस एयरलाइंस जो है वो यूएसए की है। किसको थंडर बोल्ट एंड थंडर का कहा जाता है? लैंड इट इज भूटान। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मिड नाइट सन? तो ये नॉर्वे को कहते हैं, और राइजिंग सन जापान को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री? तो ये दुनिया का भी है और वर्ल्ड का भी और एशिया का भी। इंडिया पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, इंडिया। 49th पैरेलल लाइन जो है वो यूएसए और कैनेडा के बीच में है, और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना और इंडिया के दरमियान है। 31, 32 दुनिया का हाईएस्ट जो ग्लेशियर है वो खम्बू ग्लेशियर है, और लार्जेस्ट जो है आफ्टर एंटार्क्टिका वो सियाचिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस सिटी लोकेटेड ऑन रिवर सीन? ये पेरिस है जो इस रिवर के किनारे वाकई है। वॉल स्ट्रीट जो है वो फाइनेंशियल सेंटर्स की जो मालियाती इदारे हैं उनकी वजह से मशहूर है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ फ्रांस जो है इट इज ऑर्डर ऑफ लियन, फर्स्ट ऑप्शन। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ बांग्लादेश बेर शिरथू है। विच कंट्री हैज द मोस्ट बॉर्डरिंग नेशन? तो ये चाइना और रशिया दोनों 14-14 कंट्रीज को बॉर्डर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्बलम ऑफ कुवैत? फाल्कन है इनका ये नेशनल निशान। जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडिशिया था। ईफल टावर जो है वो 1889 में, जो लास्ट ऑप्शन है, उसमें मुकम्मल हुआ। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया लोकेट करता है सी इजिप्ट के अंदर। सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड है शंघाई टावर, शंघाई में। वियना का कैपिटल ऑस्ट्रिया है। विच ऑफ द वियना जो कैपिटल है वो ऑस्ट्रिया का है। बेनिलक्स कंट्रीज में फ्रांस शामिल नहीं है। बेल्जियम का बीई एंड नेदरलैंड नी बेनी लक्स लग, ये यूरोपियन कंट्रीज है, तीन इनको बेनिलक्स बोला जाता है। सतह समुद्र से नीचे वाकई। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर रशिया यूरोप के अंदर वो आपका जर्मनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बॉर्डर टर्म इन यूके? यूके में शामिल नहीं है। तो ये सदरन आयरलैंड को ना रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। ये 1922 में अलहदा हो गया था, इसको शामिल नहीं किया जाता। बाकी ये सारे के सारे जो है वो यूके में शुमार होते हैं। लार्जेस्ट लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी चाइना की है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाई एरिया काजिकिस्तान है। और लॉन्गेस्ट दुनिया का जो ब्रिज है वो चाइना में बना है, 2009 में या 11 में शायद ये बना था। द यंग ताजे रिवर के ऊपर ही बना है, कुन शान ग्रैंड ब्रिज। तो दैट वाज ऑल। ये जनाब आप इसके मुताबिक हल कीजिएगा। अब इसमें जितने भी कंट्रीज के नाम आए हैं उनकी आप कैपिटल और करेंसी जोड़ कीजिएगा। जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लिए नए हैं, लाइक कि मैंने आपको बेनलक्स का बताया, इसके बारे में पढ़े, यूरोपियन के बारे में पढ़े। इसके बाद ये लाइट ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल है, इसको पढ़ें। ईफल टावर कब शुरू हुआ था, कब तक ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रहा, इसको पढ़ें। एंड जैसे कॉन्सेप्ट है ओल्डन नेम्स, ये 10-12 कंट्रीज है जिनके ओल्डन नेम्स पूछ लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट को देखें आप बुक्स के अंदर, नेट के ऊपर।
फिर आप जो है वो लाइंस को देखें जो बॉर्डर लाइन है इनको, ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका तनाजा रहा इंडिया का, तो ये देखें कब साइन हुआ था बॉर्डर। फिर इसके साथ आपने जनाब अभी हमने इक्वेटर का किया, उसके कॉन्सेप्ट को मजीद देखें कौन कौन से कंट्री है, बहुत दफा आ जाता है ये। और ये जो आपके पास कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, कर्गिस्तान, इसको जरूर देखें अच्छे तरीके से इनकी करेंसी और कैपिटल्स को।